बड़ी खबर भोपाल से। गृह मंत्री से मिले हैं कांतिलाल भूरिया। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया पहुंचे गृह मंत्री के निवास। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांतिलाल भूरिया के बीच चर्चा हुई है। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, इस बातचीत बंद कमरे की बातचीत से क्या मायने निकाले जाए? देखिए ज्योति, बिल्कुल बात की जाए तो दोनों ही नेताओं ने इस मुलाकात के बाद में मीडिया से बातचीत तो नहीं की, पर लेकिन कई सारे कयास निकाले जा रहे हैं इस पूरी मुलाकात के। और खासकर अगर बात करें तो कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती शुमार होती है, ना केवल मध्य प्रदेश के बल्कि देश के बड़े कांग्रेस के नेताओं में उनकी गिनती होती है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के विधायक जरूर है, पर लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उससे पहले केंद्र सरकार में लंबे समय तक वो मंत्री रहे हैं। लिहाजा पूरी मुलाकात के पीछे क्या क्या कारण थे ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो पिछले दोनों जब अलीराजपुर और झाबुआ के दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गए थे, उस समय कांतिलाल भूरिया ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए थे और उस समय नरोत्तम मिश्रा ने कांतिलाल भूरिया को से दोस्ताना संबंध के हवाला देते हुए बताया था कि उनकी जो भी शिकायतें हैं उसका निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात अगर करें, झाबुआ जिले के अंदर जोबट जो सीट है वहां पर उपचुनाव होना है। कांतिलाल भूरिया की जो भतीजी थी कलावती भूरिया, उनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई है, लिहाजा यहां पर चुनाव को लेकर हलचल ज्यादा तेज है। और ऐसे में इन दोनों नेताओं की मुलाकात ने मध्य प्रदेश के सियासी पारे को गर्मा दिया है। लिहाजा मुलाकात के पीछे का कारण क्या था ये तो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, पर लेकिन ये माना जा रहा है कि या तो किसी क्षेत्र के काम को लेकर कांतिलाल भूरिया ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है, या फिर कोई बड़ा एक सियासी जो मुलाकात का जो कारण है वो भी इसके पीछे हो सकता है। जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।